अस्सलाम वालेकुम, आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं मोनिस रजा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑनलाइन एजुकेशन वक्त की अहम जरूरत है। कोरोना की नई लहर का असर ज्यादा हो रहा है। हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। अब मरहला है ऑनलाइन एजुकेशन और तमाम तलबा के लिए यकसा और मयारी तालीम के मौके फराहम करने का। वालदेन को परेशानी से बचाने का, जानलेवा वायरस से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूल बंद करने का बेहतरीन फैसला है। अब जरूरत है कि बच्चों के तालीमी नुकसान को पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स को फरोग दिया जाए। अगरचे स्कूलों की रिवायती तदरीस का नेमुल बदल नहीं है, लेकिन बहरहाल तलबा के तालीमी नुकसान का किसी हद तक इजाला जरूर कर सकता है। फेसबुक, स्काइप, व्हाट्सएप के जरिए भी बासानी घर बैठे बच्चों को तालीम दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि तलबा और तालबात को ऑनलाइन बराह रास्त तालीम दी जाए, बल्कि यह भी किया जा सकता है कि वीडियो पर लेक्चर्स रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या स्कूल कॉलेज की वेबसाइट्स पर दिए जा सकते हैं। कोरोना की मौजूदा खतरनाक लहर के बायस हुकूमत ने फिलहाल 26 नवंबर से स्कूल बंद करने का फैसला किया है और सूरत हाल का दोबारा जायजा जनवरी के पहले हफ्ते में लिया जाएगा। जरूरी नहीं कि जनवरी में ही दोबारा स्कूल खोल दिए जाएं, इसलिए जामे और मौसर प्लानिंग करनी होगी। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए वार, हुकूमत का तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। NCOC में वज़ीरे तालीम की बैठक के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 26 नवंबर से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला सुनाया। शफकत महमूद ने ये भी बताया कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे, नौकरियों और दाखिली टेस्ट भी मामूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा, सिर्फ स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, बच्चों के मॉल्स और तफरीही मकामात में दाखिले पर पाबंदी लगानी चाहिए। स्कूल बंद करने जा रहे हैं इस तरह तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए और ये मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, फिर ये चीजें करने का फायदा कोई नहीं। वजीर तालीम पंजाब ने तलबा को बगैर इम्तिहान अगली क्लासों में जाने की खुशखबरी भी सुना दी। ग्रेडेड होमवर्क होगा, जो प्रमोशन होगी उनकी अगली क्लास के अंदर, इस होमवर्क की वापसी 50% उसका बोझ उसके ऊपर होगा कि उन्होंने किस तरह ये होमवर्क किया है, किस तरह की उन्होंने आके जमा जो करवाया, किस क्वालिटी का होमवर्क है। वफाकी वजीर तालीम की जानिब से पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया, पर #शफकत महमूद ट्रेंड चलने लगा। जी हाँ, बात हो रही है तालीम जैसे अहम मामले की और कोरोना की वबा पर। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर तदरीसी अमल ऑनलाइन की जानिब मुंतकिल किए जाने के अहकाम दे दिए गए हैं। इस सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे हसन अब्बासी ने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, रिपोर्ट मुरतब की है। पहले उनसे हम जान लेते हैं कि क्या इत्तलात है उनके पास। जी हसन अब्बासी, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, तालीम के हवाले से बिलाखिर ऐलान हो गए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि अब बच्चों को तातीलात दे के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो कुछ हलकों में ये बात होती है, अगर स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो साथ साथ बच्चों पर पाबंदी होनी चाहिए कि सिनेमा हॉल्स, कैफेटेरिया और मॉल्स वगैरह में भी बच्चे ना जाएं। सिर्फ स्कूलों का बंद होना तालीम में खस है, तो स्कूल को खोला जाए। जब SOPs पे अमल दरामद हो रहा है तो ये सिस्टम, ये निजाम जारी रहना चाहिए। आज के प्रोग्राम में आपको ये भी सुनाएंगे कि सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने क्या कहा और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम में स्कूलों का जायजा लिया जाएगा कि स्कूलों में किस हद तक SOPs पे अमल दरामद किया जा रहा है। वालदेन, असातिज़ा, तलबा और वो ट्रांसपोर्टर्स जो इस तमाम तर मामलात के अहम किरदार हैं, क्योंकि वालदेन तो अपने बच्चों को सफाई सुथराई सैनिटाइज करके स्कूलों के लिए रवाना करते हैं। स्कूलों में भी देखा जाता है किसी हद तक ये तमाम तर इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन बीच में जो वैंस का मामला आ जाता है वहां पर जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श नहीं होता। आइए चलते हैं कि स्कूल में वहां देखते हैं कि क्या इंतजाम किए गए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ। इस स्कूल में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर हमें रोका नहीं गया, ये एक हैरत अंगेज बात है। वरना अमूमन कोविड के टाइम में स्कूलों में दाखिले पर पाबंदी है, यहाँ पे प्रॉपर चेक किया गया और उसके बाद स्कूल में दाखिल किया गया। हमने जब बात की कि हमें इस सिलसिले में जो है वो कवरेज करनी है और वालदेन, असातिज़ा, तुलबा का मौकिफ जानना है, तो उन्होंने हमें इजाजत दी। उसके बाद हम स्कूल में दाखिल हुए। हम स्कूल में चलते हैं, क्लासेस का माहौल देखते हैं, क्लासेस में SOPs को किस हद तक फॉलो किया जा रहा है वो जानते हैं, वो देखते हैं कि क्या सिलसिला यहाँ पर है। आइए चलते हैं। नाज़रीन, बाकायदा तौर पे जो है वो सैनिटाइज के लिए यहाँ पर ये स्प्रे भी रखा गया है, और ताकि जो है वो स्प्रे का अमल जो है वो सिलसिला जारी रहे यहाँ पे स्कूल में।
तमाम तर जो जरासीम है उनका जो है वो खात्मा रहे, स्कूल में प्रॉपर सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो देखा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर मनाजिर देखें स्कूल के, तो कहीं पे भी जो है वो गंद नजर नहीं आ रही है जैसे अमूमन स्कूलों में होती है। छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अगर हम क्लासेस में माहौल देखें तो बाकायदा बच्चों के शूज वगैरह जो है वो पहले उतरवा के उनको सैनिटाइज कराया जाता है, और यहाँ पे सैनिटाइजर के बाद जो है बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जो है वो बिठाया गया है। प्रॉपर सैनिटाइजर्स भी जो है वो बच्चों के पास मौजूद है। आई थिंक ये प्ले हाउस का जो है ये रूम है बच्चों का, और यहाँ पर बच्चे जो है वो मुतमईन बैठे नजर आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ यहाँ जो छोटे बच्चे बैठे हैं उनसे हम बात कर सकें। बेटा अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी में। आयशा काफी जो है वो हसास हैं, तो आयशा ने अपना नाम तो बताया लेकिन बाकी जो है वो आयशा नहीं बता पाई। आइए चलते हैं दूसरी जानिब और क्लासेस में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, SOPs के हवाले से क्या निज़ाम है यहाँ पर। यहाँ पे नाज़रीन कुछ बड़े बच्चे हैं, बाकायदा जो है वो सैनिटाइजर है उनके पास और वो पढ़ भी रहे हैं काफी दिलचस्पी से। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहसिन आर्यन। मोहसिन आप कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास वन में हूँ। क्लास वन में है। अच्छा मोहसिन मुझे ये बताएं कि अब तो विंटर वेकेशन हो रही है लेकिन जो है वो एक महीने के लिए जो है वो स्कूल बंद हो जाएंगे, तो आप मिस करेंगे स्कूल को? जी। तो कहाँ मजा आता है, स्कूल में ज्यादा मजा आता था या घर में मजा आएगा? स्कूल में ज्यादा मजा आता है क्योंकि हम पढ़ भी सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हैं और टीचर से भी बातें कर सकते हैं। अच्छा मास्क लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? नो। अच्छा नाजीन काफी जो है वो मुतमईन बच्चा है कि स्कूल ही आना चाहता है, तो जैसे कि सूबाई वजीर तालीम ने भी कहा कि आप प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो आइए और भी कुछ बच्चों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सारा नुमान। सारा आप क्या पढ़ रही है? बुक। बुक पढ़ रही है, मजा आ रहा है आपको? यस। अच्छा SOPs पे जो है वो कैसे क्या कहते हैं अमल कर रही है आप? बहुत अच्छे। अच्छा ये क्या है बेटा? सैनिटाइजर। सैनिटाइजर इसको कैसे यूज करते हैं बताएं मुझे, यूज करके हाथ पे डालते हैं। ऐसे यूज करना किसने बताया आपको? मम्मा ने बताया, टीचर ने बताया, अम्मा ने बताया। अम्मा ने बताया, अम्मा ख्याल रखती हैं? यस। चलो ठीक है जी। नाजिन इनकी वालदा भी जो है वो बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? जहरा। जहरा, जहरा आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास टू। क्लास टू में है जहरा। अब स्कूल बंद हो रहे हैं तो आप स्कूल को मिस करेंगी या? जी हाँ। स्कूल में मजा ज्यादा आता है या घर में मजा आएगा? स्कूल में। स्कूल में ज्यादा मजा आएगा। अच्छा पढ़ाई जो है वो स्कूल में ज्यादा होती है या घर में आसानी से होती है? घर में आसानी से होती है। अच्छा चले, ये ज्यादा कहती है कि इनको घर में ज्यादा मजा आएगा और जो है वो पढ़ाई घर में ज्यादा अच्छी होती है। बेटा आपका क्या नाम है? किरत फातिमा। किरत, किरत मुझे बताएं कि अब जब छुट्टियां हो जाएंगी तो घर में वो पढ़ाई कर पाएंगी या जो स्कूल में करती है? यस। कर पाएंगी घर में वो पढ़ाई? ठीक है चले जी। नाजिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि घर में भी जो है वो पढ़ाई का सिलसिला जारी रह सकता है, क्योंकि कोविड के इस टाइम में SOPs की खिलाफ वर्जियां तो हमें नहीं करनी, और ये कम से बच्चे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? हरमैन। हरमैन, हरमैन आप कौन सी क्लास में है? टू। आपका सैनिटाइजर कहाँ है? वो रखा हुआ। अच्छा हरमैन अब स्कूल बंद हो जाएंगे तो घर में मजा आएगा या स्कूल को मिस करेंगे आप? स्कूल को मिस करूंगी। स्कूल को मिस करेंगे। आप पढ़ना चाहती हैं स्कूल? यस, आके यस। ठीक है जी। नाजिन मिला जुला रुझान है बच्चों में, यकीनन कमसन बच्चे हैं, कुछ कहते हैं कि जो है वो घर में हम तालीम हासिल करना जो है वो तरजीह देते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं कि हम स्कूल में अपने फ्रेंड्स को मिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो तालीमी सिलसिला जारी रहता है एक कोऑर्डिनेशन के साथ वो ज्यादा बेहतर है। टीचर भी से भी हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं आप ये कोविड के टाइम में आप कैसे मैनेज कर रही हैं तमाम चीजों को? अच्छा मैनेजिंग का ये है कि पहले जो बच्चे आते थे कोविड से पहले तो वो हर डेस्क पे दो दो स्टूडेंट्स को हम बिठाते थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही डेस्क पे सिर्फ एक ही बच्चा है वो भी डिस्टेंस के साथ, ताकि कोई भी बच्चा एक दूसरे को टच ना कर सके, ताकि किसी भी चीज में मसला, क्योंकि पेरेंट्स भी इस चीज को बहुत ज्यादा करते हैं कि बच्चों में डिस्टेंस हो। अच्छा हमारा जो माजी जो कोविड जब नए नए आया था तो उस वक्त तो हम परेशान थे स्कूल
बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप समझती हैं कि अब स्कूल बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बंद होने का तो मैं इतना नहीं, लेकिन यह है कि अगर केसेस का ज्यादा है, जो कि न्यूज में चल रहा है कि केसेस बढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक इट शुड बी और 50-50%। ठीक है, अच्छा, वजीर तालीम कहते हैं कि अब बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप समझती हैं कि अगर ये घर बैठते हैं तो इनका हर्ज होगा? हर्ज होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है, और जो अभी बीच में इतना सारा इनका डिस्टेंस आया था इतने सारे मंथ्स का, उसमें भी इनकी पढ़ाई का बहुत लॉस तो हुआ है, और अभी अगर दोबारा होगा तो डेफिनेटली जो उनका वर्क अभी थोड़ा बहुत हमने इतना मुश्किल से करवाने की कोशिश की कि वो एक लेवल पे सब बच्चे आ जाएं, वो नहीं हो पा रहा है, और अब वो दोबारा से हो रहा तो डेफिनेटली वो फिर बच्चे थोड़ा सा हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है लेकिन मैं कर लेता हूँ, जब स्कूल बंद थे तो सैलरीज मिल रही थी? जी ऑफ कोर्स। ठीक है नाजीन, सैलरीज भी मिल रही थी यहाँ पे और बच्चे भी खुश हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि स्कूल बंद हो घर में भी तालीम का सिलसिला जारी रह सकता है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि वो स्कूल आना चाहते हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन ये उन सरकारी स्कूलों की बातें हैं जिन स्कूलों में जो है वो तमाम तर इकदाम अब तक नहीं उठाए गए हैं। अगर मैं निजी स्कूलों की बात करूं तो निजी स्कूलों में वो तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। आइए चलते हैं और बच्चों की जानिब, उनसे भी बात करते हैं और टीचर्स और प्रिंसिपल से हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी जान लेते हैं। नाजीन, कंप्यूटर लैब में चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों से जो है वो मौके जान लेते हैं कि आने वाले वक्तों में तालीम को डिजिटलाइज किया जाए, और अभी जो तातीलात हो रही है उसमें घर में बैठ के पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता, उन बच्चों से भी उनका मौके जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अब विंटर वेकेशन जो है वो एक माह के लिए हो रही हैं जी, तो ऑनलाइन सिस्टम के तहत आप घर पे बैठ के तालीम सही तरीके से हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, हम आसानी से ऑनलाइन सिस्टम्स के जरिए तालीम हासिल कर सकते हैं। इससे हमारे लिए आसानी होगी कि हम आराम से बैठ के याद कर सकते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर वगैरह तो हो सकता है, तो किसी को कम नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए एक और बच्ची से भी जो है वो नाजीन बात कर लेते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब जब छुट्टियां हो जाएंगी एक माह के लिए, और अगर कोरोना के केसेस में इजाफा नहीं होता तो स्कूल भी ओपन होंगे, और अगर इजाफा होता है तो ये छुट्टियां बढ़ भी सकती हैं, तो घर में बैठ के आप समझती हैं कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बेहतर है? जी, ऑनलाइन सिस्टम बेहतर है, क्योंकि हम घर बैठे आसानी से काम भी कर सकते हैं, और ये हमारे लिए ज्यादा सेफ है कि हम जितना घर पर रहेंगे उतना सेफ भी रहेंगे। सैनिटाइज करना है हाथ, जब भी आपके हाथ गंदे हो आप हैंड सैनिटाइज करें, और 20 सेकंड्स तक अपने हैंड वॉश करें, कहीं भी बाहर से आप आए तो 20 सेकंड्स तक अपने हाथ हैंड वॉश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजीन। बच्चों का कहना यह है कि अगर घर बैठा जाए तो भी तालीम हासिल की जा सकती है, बशर्त यह है कि बच्चा जो है वो तालीम हासिल करना चाह रहा हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि स्कूल में ही तालीम जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। कुछ बच्चों ने कहा कि बच्चों के साथ अगर हम अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के स्कूल क्लास में होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो बच्चे रुझान रखते हैं उनका कहना यह है कि अब मवासलाती निज़ाम जो है वो जिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, तो हमें उसको हासिल करना चाहिए, उससे सहूलतें उठानी चाहिए। नाजीन, छोटे बच्चों की आपने गुफ्तगू सुनी, छोटे बच्चे क्या कहते हैं? यकीनन ये वो कमसिन बच्चे हैं जिनको महीने भर के लिए घरों पे बिठाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जरासीम जो है वो छोटे बच्चों पे पहले अटैक करते हैं, वो अपना तहफ्फुज़ खुद यकीनी नहीं बना पाते। कुछ बड़े बच्चों से भी बात कर लेते हैं सेकेंडरी लेवल में कि वो बच्चे जो है इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मौके पर रखते हैं, एक महीने के लिए स्कूल बंद होने जा रहे हैं, और ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है या थम भी सकता है। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं कि बच्चे इसमें क्या मौके पर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ियाद पाशा है। ज़ियाद, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट? मैं क्लास 8 का हूँ। क्लास 8 के हैं। ज़ियाद, अब विंटर वेकेशन जो है वो एक महीने की होने जा रही है कोविड की वजह से, तो आप क्या समझते हैं कि घर पे ऑनलाइन जो तालीम है वो आप सही तरीके से हासिल कर सकेंगे जिससे तालीम का जो है वो नुकसान नहीं होगा आपके? जी बिल्कुल, सेफ्टी के लिए घर पे हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना है और सेकेंड ईयर भी स्टार्ट हो गई है कोरोना की। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए कोविड से आप क्या कर रहे हैं? तो हम हैंड को सैनिटाइज करते रहते हैं, 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं, उसके मास्क वेयर करते हैं, और सोशल डिस्टेंस रखते हैं, और ना किसी से यानी हाथ मिलाते ना कुछ करते हैं। ठीक है। अच्छा, घर में भी आपके यही माहौल है जो स्कूल में? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजीन। कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मौके रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मरियम ईमान। मरियम, ये बताएं, स्कूल में ज्यादा बेहतर तरीके से तालीम हासिल हो जाती है या फिर घर पे?
मेरे ख्याल से कि स्कूल में ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, ताकि सबसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, और टीचर के साथ आई कॉन्टैक्ट जब होता है तो अच्छा पढ़ता है बच्चा। ठीक है, अभी आप कौन सी क्लास में? एट क्लास। अच्छा, एट क्लास में है। मुझे ये बताएं कि अगर हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो डिजिटलाइज हो जाए, जैसे वेस्टर्न इलाकों में और यूरोप वगैरह में है, ऑनलाइन पेपर्स का सिस्टम होता है, वहीं बच्चे घर में बैठ के पढ़ते हैं, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम राइज होता है तो आप समझती हैं कि ये आप आने वाली नस्ल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब हम सब पूरे क्लास सबके साथ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों के लिए, ताकि सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं और टीचर से बात कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्टडीज में ज़्यादा बेहतर नहीं पढ़ सकते हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना कि जो ऑनलाइन निज़ाम है अगर वो पाकिस्तान में राइज होता है तो उससे जो एक कोऑर्डिनेशन है उसका फुकदान हासिल होगा, घर बैठ के तालीम तो हासिल हो सकती है, उसमें पेपर्स ऑनलाइन दिए जा सकते हैं, लेकिन जो एक आपस की क्लासरूम में जो कोऑर्डिनेशन का जो फुकदान होता है वो रहेगा। कुछ और भी बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेहताब। मेहताब, आप कौन सी क्लास में है? एट में हूँ मैं। एट में। अच्छा, अब एक माह के लिए जो है वो स्कूल बंद हो जाएंगे जी। अच्छा, अगर इसमें कोरोना के केसेस में इजाफा नहीं होता तो स्कूल खुलेंगे जी। तो आप समझती हैं कि अगर इजाफा होता है और स्कूल बंद रहते हैं तो घर पे बैठ के ऑनलाइन तालीम हासिल करना ही ज्यादा सेफेस्ट है? नहीं, स्कूल में जितना होता है वो घर पे नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, स्कूल में जितना होता है वो घर पे जो है वो सिलसिला जारी नहीं रह सकता। टीचर भी हमारे साथ मौजूद है, टीचर से बात कर लेते हैं कि टीचर जो है वो, क्योंकि यकीनन आपने प्राइमरी टीचर का सुना कि वो क्या कहती हैं, तो सेकेंडरी टीचर से भी बात कर लेते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल में क्या मौकफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी जैसा कि एक महीने की तातीलात का ऐलान हो गया, तो आप समझती हैं कि घर में जब स्टूडेंट्स होंगे तो आप सही से उनको तालीम दे सकती हैं या क्लासरूम में ज्यादा बेहतर? देखें, क्लासरूम में तालीम ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चलती हैं। घर वाले और टीचर्स दोनों साथ मिलकर जब बच्चों की तरबियत भी करते हैं, तालीम भी करते हैं, तो बच्चे बेहतर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छे शहरी बन के बाहर निकलते हैं। तो हमारे लिए दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। फिलहाल बच्चों के लिए सेहत ज्यादा जरूरी है, हिफाजत जरूरी है, तो अगर ये कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते तो मेरे हिसाब से फिर स्कूल खोल देना चाहिए, लेकिन जब तक बच्चों की हिफाजत सबसे प्राइमरी हमारे लिए मौकफ है, तो उसके लिए अच्छा है कि बच्चों को घर पे कुछ दिनों के लिए रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बिल्कुल, जो टीचर ने कहा कि जान है तो जहान है, और क्लासरूम में जो है तालीम के साथ एक तरबियत जो हासिल होती है वो बहुत अहम इंसान के किरदार को जो है वो निखारती है। तो अब स्कूल का आपने सारा सूरत हाल देखी कि स्कूल में किस तरीके से इस टाइम में जो है वो SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, बच्चे छोटे हों चाहे बड़े वो क्या मौकफ रखते हैं। अब स्कूल इंतजामिया से बात कर लेते हैं कि स्कूल इंतजामिया इसमें किस हद तक इकदाम उठा रही है और वो क्या आने वाले दिनों में जो एक माह के लिए तातीलात का ऐलान हुआ है, अगर ये तातीलात आगे बढ़ जाती है केसेस में इजाफे के बाद, तो उसके बाद जो है वो किस तरीके से इस तमाम सूरत हाल को वो मैनेज करेंगे। आइए प्रिंसिपल से बात करते हैं। 11 जनवरी तक के लिए स्कूल दोबारा से बंद होने जा रहे हैं। अभी जब स्कूल खुले थे तो SOPs पे जो है वो क्या अमल दरामद किया गया और क्या इकदाम आप लोगों ने, स्कूल इंतजामिया ने रखे हुए हैं? देखें, अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स में तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत और असाज़ाए कराम का एहतराम भी सिखाया जाता है। हम बेशक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पढ़ाई तो ज़रूर दे देंगे उनको, लेकिन जो असाज़ाए कराम का एहतराम करना बच्चा सीखता है, अपने आप को डिसिप्लिन करना सीखता है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुद डिसिप्लिन लेकर आता है, वो सारी चीज़ें स्कूल से ही दी जाती हैं। तो तालीम के साथ साथ तरबियत जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो अगर हम वो नहीं दे सकेंगे तो फिर ऑनलाइन सिस्टम हमारा इतना कारामद नहीं है जितना कि स्कूल में फिजिकल बच्चा आके तालीम और तरबियत दोनों हासिल कर सके। हमने इस हवाले से अपने वैन ड्राइवर्स को इन्फॉर्म किया था और उन्होंने इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी किया बिल्कुल, लेकिन उसके नतीजे में हमारे नुकसान ये हुआ कि जब वो रोड पर होते थे तो उनको रोक लिया जाता था, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनको रोक लिया जाता था, और जिसकी वजह से बच्चे आने में लेट हो जाते थे। पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहे उस सूरत हाल में सिलेंडर्स की वजह से जब उनको पाबंदी दी गई। फिर हमने उनको बुला के एक बाकायदा मीटिंग रखी थी और हमने उनको इस चीज़ को बताया था, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि सिलेंडर्स जो है वो गाड़ियों से आप अपने यहाँ निकाल के पेट्रोल की तरफ उसकी तरफ आइए, तो वो ज़्यादा आपको भी इफेक्टिवली काम करेगा और बच्चे भी यहाँ पे जो सफ़र हो रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा स्कूल्स में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पे किस हद तक अमल दरामद कराया जा रहा है। मुकम्मल तौर पे सख्त इकदाम किए गए हैं।
प्राइवेट स्कूल के तमाम स्कूलों में देखा गया कि क्लासरूम भी साफ सुथरी हैं और बच्चे हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बना रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर के साथ बच्चों को स्कूल के लिए रवाना करते हैं। वही तमाम तर सूरत हाल स्कूल में भी जारी रहती है और उसके बाद वो बच्चे अपने घरों की जानिब जाते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं कि स्कूल जाकर ही तालीम हासिल करना बेहतर होगा। वालदैन के एहतराम के बाद असातिज़ा का एहतराम जो है वो तरबियत हमें सिखाता है। और दूसरी जानिब वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि अब बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि प्राइवेट स्कूल अगर फीसें ज्यादा ले रहे हैं तो वो इकदाम भी उठा रहे हैं, लेकिन वजीर तालीम सिंध ये बताएं कि जो तालीम के लिए फंड्स मुख्तस किए जाते हैं वो फंड्स आखिर जाते कहाँ हैं? क्योंकि मेरे पीछे जो सरकारी स्कूल के मनाजिर आप देख रहे हैं, कचरा कुंडी इस सरकारी स्कूल के बाहर कायम है। ये फंड्स जो जारी किए जाते हैं असेंबलियों में बैठ के, वो फंड्स आखिरकार किन जेबों में जा रहे हैं? जो सरकारी स्कूल आज तक शहर भर के सवालिया निशान बने हुए हैं। सईद गनी को चाहिए तालीमी निजाम की बेहतरी के साथ साथ स्कूलों की हालत ज़ार को भी बेहतर करें। अहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ हुए वेलकम बैक। बात हो रही है वालदैन के स्कूल में तालीम के जिम्मेदारियों को पूरा करने के हवाले से। आपको बताएंगे कोरोना वायरस के सबब बच्चों को स्कूल भेजने से कबल वालदैन की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा हो गया। इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। को लेने के लिए आई हूँ और मैं सुबह उसको सारी तैयारी के साथ भेजती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है एसओपीज के हवाले से। तो मैं उसको मास्क जो है वो वेयर करती है, सैनिटाइजर उसकी पॉकेट में मौजूद होता है और उसमें मैं जरा सख्ती करती हूँ कि अपनी चीजें किसी के साथ शेयर वगैरह मत करें। वैसे तो मैं अपने छोटे भाई को लेने आया था, सुबह उन्हें वाला ड्रॉप कर देती है। वैसे तो पूरे इकदाम के साथ उनको भेजा जाता है, एसओपी इस पर अमल करवाया जाता है उनको। उसके अलावा उनको मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह देकर भेजते हैं घर से हम। मैं अभी अपने छोटी बहन को स्कूल से लेने के लिए आई हूँ और स्कूल हमारा घर में ये रद्दमल रहता है कि घर से निकलने से पहले मास्क कंपलसरी होता है कि मास्क के बगैर नहीं जाना है और सैनिटाइजर मैं उनके बैग में लाजमी रखती हूँ। जी आज हमने प्रोग्राम में बात की कि वजीर तालीम की जानिब से ऑनलाइन सिस्टम की जानिब पे एजुकेशन को ले जाने का कहा गया है कोरोना वायरस की वजह से। वालदैन और असातिज़ा का यही कहना है कि लोगों की जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, तो जरूरी यही है कि पहले सेहत की जरूरत को सामने रखा जाए, उसके बाद पढ़ाई को भी देखा जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।